खबर गाजीपुर जनपद से, जहां करंडा ब्लॉक में एक ऐसा सचिव जो अपने कार्यकाल में एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिसे देखकर लोगों का दिल बाग बाग हो गया। आपको बता दें, मनोज यादव सचिव जो 6 गांव का कार्यभार देख रहे हैं, जिसमें 4 गांव ऐसा है जहां पर सचिवालय का निर्माण इतने खूबसूरत ढंग से किए हैं कि शायद करंडा ब्लॉक में अभी तक ऐसा सचिवालय देखने को नहीं मिलेगा। अब वहाँ के लोग कभी जिले और ब्लॉक पर नहीं भटकते, जो भी समस्याएं हैं या अपने सचिवालय में आते हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण होता है। एक मुलाकात में जब हमारे संवाददाता पुनीत कुमार त्रिपाठी ने सचिव मनोज यादव से बात की तो सचिव ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। तो मनोज जी, ये जो प्रेरणा आपको मिलती है, वैसे तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी हैं गाजीपुर में, इवन ये कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या काफी है, लेकिन आपको ये डेडिकेशन जो इतना है डेवलप करने का कहां से आता है? बाकियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी सरकारी योजना का काम, जिसे सरकारी सेवक हैं, लोग कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब आए हैं चाहे लेखपाल साहब आए हैं, लेकिन जब गांव की जनता उनके कार्यों से जानने लगे तो यह समझ लीजिए कि मैं सरकारी सेवक हूँ। यदि हम जनता की जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं अपने कार्य के मार्फत, यदि उनको हम सुविधा उपलब्ध कराने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, हम सरकारी सेवक हैं। इसी को बस अपना कर्म समझ करके ये जो है दिया गया कि कम से कम ग्राम पंचायतों में जो सुविधाएं हैं जी वो यहाँ मिले, लोगों की जो भाग दौड़ हो रुके। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपके सचिवालय से वर्तमान में पूरे ग्राम सभा को मिल रही हैं? देखिए, अभी ग्राम पंचायत में मूल जो सुविधाएं हमारे यहाँ, जिसे कुटुंब रजिस्टर मान लीजिए जी, लोग दौड़ते थे कि सेक्रेटरी साहब कब मिलेंगे, कहाँ आएंगे। एक तो वो सुविधा तुरंत मिलने लगी कि जब चाहे मेरा पंचायत सहायक यहाँ बैठा रहता है 10 बजे से 5 बजे तक जी जी आवे, और जैसे मेरे पास इस समय 6 ग्राम पंचायतें हैं जी, तो एक दिन निर्धारित है हर ग्राम पंचायत का। जैसे आप हमारी ग्राम पंचायत धरवा में आए हुए हैं तो प्रत्येक सोमवार को यहाँ मैं आता हूँ, और दिन भर काम करने के उपरांत जो रहते हैं यहाँ जनता आती है सोमवार को, और उसके हम लोग निस्तारण करते हैं। कुटुंब रजिस्टर हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह का पंजीकरण है, या हमारे यहाँ जिसे शादी अनुदान का फार्म भरना है, वृद्धा विधवा का फार्म भरना है, विकलांग का फार्म भरना है, या आयुष्मान कार्ड, हमारे देखिए आयुष्मान कार्ड सरकार का जोर है, आयुष्मान कार्ड डेली यहाँ बन रहा है, प्रतिदिन बन रहा है, डेवलपमेंट जो जो आएंगे सुबह से क्या करते हैं कि हमारी पंचायत सहायक, पूरे ग्राम पंचायत का एक ग्रुप बना हुआ है जी, उसमें करीब 150-200 लोग जुड़े हुए हैं, सुबह एक मैसेज दे दिया जाता है कि जिनका छूटा हुआ है अपना आधार कार्ड लेकर के पंचायत सचिवालय पर आ जाएं और यहाँ पर उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, डेली कार्ड यहाँ बनता है। यानी ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया गया है, हाँ। उसमें जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैसेज के थ्रू उसमें आयुष्मान कार्ड जैसे बन गया, अभी की कोई आए भाई राशन कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड की यहाँ सुविधा मिल जाती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं जी, सभी योजनाएं 29 विभागों की योजनाएं यहाँ पर गवर्न होती है, 100% इंश्योर किया जाता है कि हमारे ग्राम सभा के लोग। आप मान्यवर, एक और आपको बात बता दें जी, कि जब से मेरा पंचायत सचिवालय चल रहा है जी, एक भी आदमी, एक भी निजी व्यक्ति विकास खंड करंडा या जनपद मुख्यालय पर नहीं गया है। उनकी शिकायतें यहाँ निर्धारित करके एक रजिस्टर बना हुआ है, उस पर नोट कर लिया जाता है भाई क्या आपकी समस्या है, विदिन एक सप्ताह उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाता है। अपने आप में ये काफी सराहनीय है कि ग्राम सभा के हर एक व्यक्ति की जो समस्या है उसको ग्राम पंचायत अपने अंतर्गत ही उसको सुलझा ले रहा है, निस्तारित कर दे रहा है, उस व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। कहे गए एक बड़ी सहूलियत जो है इन लोगों के माध्यम से ग्राम सभा के लोगों को मिल रही है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है, क्या नाम है उनका? श्रीमती बिंदु राणा, उनकी कुछ अस्वस्थता के हैं और जी गई हुई हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जी, आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हम ग्राम सभा धर्मा के प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद उर्फ डब्लू हैं। आज जो डेवलपमेंट आपके गांव में दिख रहा है सचिवालय को लेकर के, या फिर ग्राम सभा के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? भरपूर संतुष्ट है। हमारे सचिव साहब हर कड़ी पर, एक एक मूल बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देकर और हमको पूरा संदेश देकर फोन के माध्यम से, अगर ये अपने रूम पर रहते हैं, वहाँ से चाहे ऑफिस में हो,
चाहे ब्लॉक प्रमुख। जब भी ग्राम सभाओं के विकास की बात होती है, चर्चा की जाती है, तो सरकार की प्राथमिकता होती है कि ग्राम सभाओं के विकास में जो पहला पायदान होता है उसको हर प्रधान पास करे, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसको क्रॉस करे, उसके बाद ही कोई और जो विकास के कार्य होते हैं वो उसको कर सकता है। तो पहला जो विकास का कार्य है आज के संदर्भ में जो सरकार की प्राथमिकता में है वो है ग्राम पंचायत सचिवालय। ग्राम पंचायत सचिवालय हम कई तरीके से सोच सकते हैं कि कैसा हो सकता है, 2 कमरों का हो सकता है, 3 कमरों का हो सकता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि एक सेक्रेटरी किस तरीके से ग्राम पंचायत सचिवालय को, ग्राम पंचायत सचिवालय ऐसा सचिवालय होता है जो जिला मुख्यालय से काफी दूर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर की भी दूरी पर भी हो सकता है, यानी इंटीरियर में बनाया जाता है ग्राम सभा में। यदि ये ग्राम सभा में बनाया जा सकता है तो हम सोच सकते हैं कि इसको सरकारी दफ्तरों की तरह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसी गाजीपुर जनपद के करंडा ब्लॉक में तैनात एक सेक्रेटरी जिनका नाम मनोज कुमार यादव है, मनोज यादव ने यह साबित किया है कि यदि हम काम करना चाहें, हमारे अंदर काम करने की इच्छा हो, डेडिकेशन हो, तो हम किसी भी इंटीरियर में रहने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिवालय को एक सरकारी दफ्तर का रूप दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। तो आप मनोज कुमार यादव जी हैं, ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है किस तरीके से, किस डेडिकेशन के साथ ये ग्राम पंचायत सचिवालयों को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे और इनसे पूछेंगे भी कि जो दूसरे सेक्रेटरी हैं आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। आइए भ्रमण कराते हैं आपको। ये यहाँ पे पंचायत भवन में जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार यहाँ पे महिला भी की व्यवस्था है। प्रत्येक सोमवार को यहाँ महिला बीट आती हैं, महिलाएं पुलिस कर्मी, और यहाँ बैठती हैं और जो ग्राम पंचायत की समस्याएं होती हैं उसका निस्तारण करती हैं। जैसे आज यहाँ पे मेरा दिन प्रत्येक देखिए जैसा कि देख रहे हैं सोमवार का दिन है, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य था तो मैं आ गया हूँ यहाँ। ये मेरे प्रधान जी का कक्ष है, बिंदु राणा जी का है, जो आती हैं, इनकी कुछ अस्वस्थता के कारण आज नहीं आ पाई हैं। उनका एक कमरा है और ये कमरा की श्रीमती बिंदु राणा जी हैं, इसमें महिलाओं के लिए ये समर्पित है मिशन शक्ति नारी, उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो है, मिसाल है, ये सब लगा हुआ है और ये अपना समय से निस्तारण स्वयं करती हैं। और ये यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति होती है यहाँ पे। ये हमारा कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष में ये सारी सुविधाएं जो इंस्ट्रूमेंट है लगे हुए हैं, यहाँ से जनता को सुविधाएं जो मिलती हैं, यहाँ लोगों के पानी पीने के लिए एक फायर भी लगाया गया है, ये प्रसाधन है, यहाँ एक कक्ष प्रसाधन लगा हुआ है। ये सभा कक्ष है, ये हमारे जो ये भी दीदी जा करके बैठते हैं, और ग्राम पंचायत की सीनरी जो बनाई गई है यहाँ पे, ये दिखाया गया है कि नहीं भैया है। और यहाँ पर जो मनरेगा संबंधित जो कार्य होते हैं उनका ये निस्तारण करते हैं, संतोष जी हैं ये। और मनरेगा सभी कार्य जो है हमारे ये पंचायत सचिवालय में संपादित होते हैं।